देखिए हमारे मसाइल अभी भी ऐसे ही पड़े हैं जो चार महीने पहले थे। हमने सरकार से बारहा कहा, लिखित में दे दिया, उनके साथ मुलाकातें की, मीटिंगें की, जम्मू गए, उनको बावर कराया कि हम किन मुश्किलात में हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई है। पाँच महीने की तनख्वाह के बगैर आज के मामलात में, आज के हालात में ज़िंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, लेकिन हमारे पास फीस नहीं है, कैसे भेजेंगे उनको? हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं, उनकी दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो कैसे वो जिंदा रहेंगे? हमारे घर में खाने पीने की मुश्किलात है, हम गरीब लोग हैं, पाँच महीने की तनख्वाह नहीं है, जबकि हम काम कर रहे हैं। हमने कोविड में काम किया, 24 घंटे काम किया, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, किसी DC ने फंसा है, किसी जगह डिविजनल कमिश्नर ने, किसी जगह मेडिकल कॉलेज ने, किसी जगह म्यूनसिपलिटी ने, यानी गरज ये कि हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन सरकार वो पैसा वसूलने में नाकाम है। दूसरा, उन्होंने बजटों में रखा है कि गाड़ियाँ लाएंगे, हमें गाड़ियों को क्या करना है जब मुलाजिम भूखा है? हम सरकार से कहते हैं हमारे पाँच महीने की तनख्वाह वागुजार की जाए और हमारी फ्यूचर सैलरी को इंश्योर किया जाए कि हर महीने हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं। सरकार तो बड़े बड़े ऑर्डर निकालती है, ये वो करेंगे, ये करेंगे, हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट देंगे, कहाँ से दोगे आप? जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है पहले से, पिछले 30-30 सालों से, उनकी तो तनख्वाह नहीं है, अब कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट? बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। हम यहाँ पे मुतालबा करते हैं हमारे पाँच महीने की तनख्वाह वागुजार हो, फ्यूचर सैलरी इंश्योर करे, कंसोलिडेटेड मुलाजमिन को पक्का करे जिनके 10-10, 11-11 साल हो गए, वही इस वक्त कॉरपोरेशन को चला रहे हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं हमने आपको बहुत मौका दिया, हम पिछले 6 महीने से थोड़ा थोड़ा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको भरपूर मौका मिले, लेकिन सरकार हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रही है। अब अगर सरकार हमें मारना ही चाहती है तो हम घर में नहीं मरेंगे, हम सड़क पर मरेंगे। प्रोग्राम जनाब हमने दिया है 8-9 को पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, 9 तारीख को हम तमाम दिल्ली से लेकर लद्दाख में जितने भी ऑफिस है SRTC के वहाँ काले झंडे लहराएंगे, तमाम गाड़ियों में काले झंडे होंगे, मुलाजमीन मौन व्रत रखेंगे उस दिन, पूरे दिन में खामोश साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, अपने मुंह पे काली पट्टी लगा के, अपने बाजू पे काली पट्टी लगा के, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, अब हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। भी अगर नहीं होगा तो हमने 10 और 11 को हड़ताल की कॉल दी है। Never miss an update.